यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना की तरफ से गिराए गए रॉकेट, मिसाइलों और बमों को ढूंढकर डिफ्यूज कर दिया और इसका एक वीडियो भी शहर के मेयर की तरफ से जारी किया गया। और उस वीडियो में शहर के एक इलाके में बड़ी संख्या में रॉकेट, मिसाइलों और बमों का ढेर लगा दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि तबाही मचाने के लिए रूसी फौज ने इन घातक हथियारों की शहर पर बारिश की थी, लेकिन आसमान से गिरने के बाद भी कई रॉकेट और मिसाइल और बम फटे ही नहीं। मतलब ये कि बड़ी संख्या में बिना फटे रूसी हथियार मकानों, सड़कों, पार्कों और गलियों में पड़े थे जिनमें कभी भी धमाका हो सकता था। उन्हीं हथियारों को यूक्रेन की सेना ने शहर के अलग अलग इलाकों में ढूंढा और फिर एक जगह जमा कर उन्हें सावधानी से नष्ट कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक साथ कई हथियार एक जगह रखे नजर आए और देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पुतिन की फौज के गिराए गए ये हथियार फट जाते तो वहां कितनी तबाही मचती। और शाहीन बाग में अवैध निर्माण हटाने का विरोध करने वाले आम आदमी पार्टी विधायक पर केस दर्ज। शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला पर केस दर्ज हो गया है। साउथ एमसीडी के मेयर ने कहा कि कानून तोड़ने वालों पर ऐसी ही कार्रवाई होगी। वो शाहीन बाग को बचाने नहीं गए थे, ना शाहीन बाग को लोगों को बचाने गए थे, वो उनका जो अपना अवैध अतिक्रमण है, उनके जो अवैध अपने कब्जे हैं, वो उसको बचाने भागे। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक दुकान में घुसकर दबंगों ने जमकर कहर बरपाया। इतना ही नहीं, व्यापारी को पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 75 दिन हो गए। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। दक्षिणी यूक्रेन के निकोलेव शहर में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर जोरदार हमला बोल दिया, जिसका एक वीडियो भी उनकी सेना की तरफ से जारी किया गया। रूस की सेना ने कुछ रोज पहले काला सागर के पास बसे इस शहर के ज्यादातर हिस्से पर कब्जे का दावा किया था और शहर के उन्हीं इलाकों को रूसी सैनिकों की मुट्ठी से निकालने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अपने दुश्मनों पर हमला बोलने के लिए एक बार फिर अपने बेहद खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की सेना ने ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूसी सैनिकों के ठिकाने पर हमला बोल दिया और इसके बाद तो रूसी सैनिकों पर मानो रॉकेट की बरसात शुरू हो गई। लेकिन यूक्रेन की सेना इतने पर ही नहीं रुकी, बल्कि उसने रूसी सैनिकों के ठिकाने पर रॉकेट दागना जारी रखा। यूक्रेन ने इस हमले में रूसी सेना के ठिकाने को पूरी तरह ध्वस्त कर देने का दावा किया। इस बीच निकोलेव के ही एक दूसरे इलाके में यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना पर हमले के लिए ताकतवर होविट्जर का इस्तेमाल किया और उससे दागे गए गोलों से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन की सेना ने होविट्जर की मदद से रूसी सेना पर भीषण हमला बोल दिया। कुछ ही मिनटों में यूक्रेन के सैनिकों ने होविट्जर से कई गोले दाग दिए। यूक्रेन ने इस हमले में भी रूसी सेना को तगड़ा नुकसान होने का दावा किया, क्योंकि महज 5 सेकंड में 3 गोले दागने वाली होविट्जर को दुश्मनों का काल माना जाता है। इससे 50 किलोमीटर दूर छिपे दुश्मन के ठिकानों को भी आसानी से तबाह किया जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर होविट्जर तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। इस बीच इरपिन शहर में रूस के खाली तोप के गोले का जखीरा देखा गया और इरपिन के मेयर ने एक वीडियो जारी करके रूस के खाली गोले का यह जखीरा दिखाया। यूक्रेन के सैनिकों ने इन गोलों को इकट्ठा करके इन्हें डिफ्यूज करने में वो जुट गई। रूसी सेना ने ओनिक्स क्रूज मिसाइल से हमला कर यूक्रेन की सेना के एक और जंगी जहाज को तबाह करने का दावा किया। ये हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन सबूत के तौर पर रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया, जिसमें रात के वक्त एक सुनसान इलाके से रूसी सेना बेहद खतरनाक और ताकतवर ओनिक्स क्रूज मिसाइल दागती नजर आई। मिसाइल के निकलते ही वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। चंद सेकंड के अंदर वो मिसाइल आग और धुआं उगलते हुए आसमान में पहुंच गई और फिर बड़ी तेजी से अपने टारगेट को तबाह करने के लिए आगे बढ़ गई। रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन की सेना का एक जंगी जहाज पूरी तरह से तबाह हो गया। यही नहीं, वीडियो के दूसरे हिस्से में रूसी सेना नदी पर बने एक पुल को मिसाइल से निशाना बनाती नजर आई। पुल से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को थर्रा दिया। धमाके के बाद वहां आग का बवंडर उठता भी दिखा, जबकि उससे निकलने वाले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। बीजेपी सांसद ने फिर साधा राज ठाकरे पर निशाना।
बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से राज ठाकरे पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने कहा कि रामायण के कालनेमी राक्षस की भूमिका में राज ठाकरे हैं। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा के बाद कर्फ्यू की तारीख अग्रिम आदेश तक बढ़ा दी गई है। गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजल अंसारी से प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयागराज में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। उसने लुहांस के एक स्कूल को निशाना बनाकर उस पर मिसाइल से हमला कर दिया। रूस की इस हवाई बमबारी से वहां तबाही मच गई। बताया गया कि इस हमले में 60 लोगों की मौत हो गई, जिन्होंने रूसी हमलों के डर से स्कूल के बेसमेंट में शरण ली हुई थी, जहां रूस की मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां मौजूद 90 लोगों में सिर्फ 30 की जान बचाई जा सकी। बताया गया कि रूस के विमानों ने स्कूल की बिल्डिंग पर जोरदार हमला बोला, जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा तो मानो गायब ही हो गया। ढह चुकी दीवारें और बिल्डिंग को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि हमला कितना जोरदार रहा होगा, जिसके बाद वहां चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा, और वो भी ऐसा कि एक एक ईंट साफ नजर आई। मिसाइल के विस्फोट से वहां मौजूद सामान में आग लग गई, जिसने धीरे धीरे एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लिया। स्कूल पर हुए इस हमले से संयुक्त राष्ट्र भी दहल गया, जबकि यूक्रेन में रूस की इस करतूत के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस के सैनिकों में यूक्रेन के सैनिकों से टक्कर लेने की हिम्मत नहीं बची है, जिसका सबूत है स्कूल की इमारत का ये मलबा, जिसमें दबे लोगों को निकालने के लिए बचाव दल को खासी मशक्कत करनी पड़ी। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले आग को बुझाना था और फिर वहां फंसे लोगों को निकालना। लुहांस्क की सरकार ने दावा किया कि रूस के इस हमले में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा बचाए गए 30 लोगों में भी कई गंभीर रूप से घायल बताए गए, जिसके बाद रूस के इस रवैये पर यूएन समेत कई देशों में उसकी जमकर आलोचना हुई। और रूस का हमला हो रहा है कि यूक्रेन पलटवार भी लगातार कर रहा है। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कई टैंक अब तक जब्त कर लिए हैं। यूक्रेन के 93 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने कब्जे किए रूसी टैंकों को दिखाया, और यूक्रेन इन टैंकों को मरम्मत करके रूस के सैनिकों पर इन्हीं से हमला भी लगातार कर रहा है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं दरअसल रूसी टैंक है, लेकिन इस पर जो सैनिक चढ़े हुए आप देख रहे हैं यूक्रेन के हैं, क्योंकि इन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है और अब इसकी मरम्मत करके इनको युद्ध में इस्तेमाल किया जा रहा है। रूसी सेना का एक और टैंक यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाए गए लैंडमाइन या यूं कहें कि बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। ये लैंडमाइन किस इलाके में लगाई गई थी इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, और उस वीडियो में पुतिन की सेना का T-72B टैंक दुश्मनों को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता नजर आया, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो यूक्रेन की सेना की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइन की चपेट में आ गया। बारूदी सुरंग पर टैंक के चढ़ते ही वहां जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया। आसपास काले धुएं का गुबार छा गया। कुछ मिनटों के बाद जब धुआं छटा तो रूस का वो टैंक एक बार फिर आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस कोशिश में वो दूसरी बारूदी सुरंग पर चढ़ गया। इसके बाद वहां एक बार फिर तेज धमाका हुआ और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैल गया। यूक्रेन ने दावा किया कि लैंडमाइन की चपेट में आने से रूसी सेना का T-72B टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सिपाही की गुंडागर्दी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक सिपाही की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सिपाही बिना वर्दी में एक आदमी को पीटता दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता की मौत पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लड़की वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। देशद्रोह कानून मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। इस बीच केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार की बात कही। जंग के 75वें दिन ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन की सेना ने पुतिन की सेना के एक और टैंक को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन की तरफ से यह भी दावा किया गया कि रूसी सेना का वो टैंक हमले के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले ही उन्हें धूल में मिला दिया गया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें ज़ापोरिज़िया के एक इलाके में रूसी सेना का एक टैंक आग की भीषण लपटों में घिरा दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे कुछ देर पहले ही उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया हो। यही नहीं, टैंक में थोड़ी थोड़ी देर के बाद धमाके भी होते दिखाई दिए, और हर धमाके के साथ वहां आग की भीषण लपटें उठती दिखी। आसमान से लिए गए इस वीडियो में टैंक काफी देर तक जलता रहा और उससे निकलने वाला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। ज़ेलेंस्की की सेना ने यह दावा किया कि इस हमले में रूसी सेना का वो टैंक जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध में। एक तरफ अमेरिका से लगातार मदद की जा रही है, तो इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
के नाराज होने की भी अब खबरें सामने आने लगी हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि यूक्रेन से बाइडेन की बातचीत लीक होने को लेकर ये नाराजगी है। व्हाइट हाउस इस बात से भी नाराज है कि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका की भूमिका को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया है कि अभी फिलहाल बाइडेन के यूक्रेन जाने की कोई योजना नहीं है। यूक्रेन के एक इलाके में जेलेंस्की की सेना ने ड्रोन से हमला कर रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-8 को नेस्त नाबूद करने का दावा किया। सबूत के तौर पर यूक्रेन की सेना ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-8 पर ड्रोन से हमला कर उसे तबाह करती दिखी। जो वीडियो जारी किया गया उसमें हमले से पहले वो हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़ा दिखाई दिया और उससे कुछ जवान उतरते नजर आए। मतलब ये कि कुछ देर पहले ही लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-8 वहां सैनिकों के साथ उतरा था और कुछ ही पलों के अंदर उड़ान भरने वाला था। लेकिन तभी जेलेंस्की की सेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन में शुमार बायरक्तार TB2 से उस पर मिसाइल दाग दी। हेलीकॉप्टर से मिसाइल के टकराते ही वहां जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद वहां आग और धुएं का बवंडर उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस का लड़ाकू हेलीकॉप्टर पूरी तरह तबाह हो गया। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इस हमले में रूसी सेना के कितने जवान मारे गए। और उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी पिटाई दिखी। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस के सामने भी पिटता दिखा आरोपी। बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले में आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मोहाली कोर्ट से अरेस्ट वारंट पर लगे रोक वाली याचिका पर सुनवाई होगी। साल 2022 की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा 2 साल। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने पुतिन के सैनिकों पर वहां के एक इलाके में रूस के ही टैंकों से हमला कर दिया। बताया गया कि ये टैंक जंग के दौरान रूसी सेना से जब्त किए गए, जिन्हें कब्जे में लेने के बाद यूक्रेन की सेना ने इनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ ही कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में एक टैंक गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला अपने टारगेट से टकराया, वहां से धूल का गुबार उठता नजर आया। इसके साथ ही यूक्रेन ने जंग के दौरान 100 से ज्यादा रूसी टैंकों को जब्त करने का भी दावा किया, क्योंकि जब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी फौज अपने टैंकों के साथ दाखिल हुई तो उसका सामना पहले तो इलाके के लोगों से हुआ, जिसमें कई टैंकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि जमीन पर हुई लड़ाई में भी कई जगह यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों पर भारी पड़ी और छिपकर वार कर उनके टैंकों को जब्त कर लिया, जिन्हें अब वो रूस के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रही है। और इस बीच यूक्रेन से युद्ध की एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस की सेना ने एक बार फिर से अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमला बोल दिया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने एक बार फिर से इस स्टील प्लांट पर हमला किया है। रूस की सेना लंबे समय से इस स्टील प्लांट की घेराबंदी की हुई थी और कई बार इस पर हमले कर चुकी है। इससे पहले अजोवस्ताल स्टील प्लांट से महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों का रेस्क्यू भी हुआ था, उनको निकाला गया था। और कई सारे बच्चे और महिलाएं इस स्टील प्लांट के अंदर अब भी फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू लगातार कोशिश की जा रही है रेड क्रॉस और UNHRC द्वारा निकालने की। उधर जंग के बीच यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि अगर यूक्रेन नहीं हो जीता तो यूरोप के कई देशों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह दावा यूक्रेन के चैनल 24 ने किया, जिसने रूस और चीन की दोस्ती और रूस और पश्चिमी देशों की कड़वाहट पर एक रिपोर्ट दिखाई, जिसमें राजनीतिक विश्लेषकों ने बताया कि यूरोप के देशों के लिए यूक्रेन की जीत क्यों जरूरी है। यूक्रेन के चैनल 24 की इस रिपोर्ट में यूरोप के देशों को रूस और चीन के करीबी रिश्तों से सावधान किया गया। चीन उन चंद देशों में एक है जो जंग के बाद रूस के साथ खड़ा है। अमेरिका ने उसे इसके लिए डराया और आर्थिक नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी, लेकिन पुतिन और शी जिनपिंग की नजदीकी दूरी में नहीं बदली। नतीजा ये हुआ कि कभी अमेरिका तो कभी ब्रिटेन चीन और रूस पर बरसते दिखे। लेकिन इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि यूक्रेन के हारने से सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप के देशों को होगा, क्योंकि जैसे ही पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करेंगे वैसे ही उनकी नजर यूरोप के बाकी देशों पर टिक जाएगी। अमेरिका और रूस दुनिया की दो महाशक्तियां हैं, जिनकी वजह से दुनिया दो धड़ों में बंटती दिख रही है, जिनमें पहला धड़ा अमेरिका के साथ है, जिनमें यूरोप के देश भी शामिल है, जबकि रूस के साथ है चीन और कुछ और देश। चैनल 24 ने अपनी रिपोर्ट में इसी पर चिंता जाहिर की। उसने ग्रीस और हंगरी जैसे देशों की मिसाल दी, क्योंकि वो तेल और गैस के लिए रूस के भरोसे हैं। रिपोर्ट में राजनीतिक विश्लेषकों ने इसी बारे में बात की और साफ साफ इशारा किया कि अगर यूक्रेन नहीं जीता तो यूरोप के कई देशों के लिए रूस और चीन की जोड़ी से जीतना करीब करीब नामुमकिन होगा। नौबत ये भी आ सकती है कि इन देशों का अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो जाए। यही नहीं, डर तो ये भी है कि यूरोप के कई देश एक झटके में आर्थिक और सैन्य रूप से बर्बाद हो जाएंगे। मतलब ये कि यूक्रेन की जीत केवल यूक्रेन के लिए ही नहीं,
रूस के भरोसे रहने वाले यूरोप के कई देशों के लिए भी जरूरी है। और वहीं 76 दिनों से जारी जंग के बीच रूसी सेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से बम बरसाकर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। और ये हमला किस इलाके में हुआ इसका अब तक पता नहीं चल सका है, लेकिन सबूत के तौर पर रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका एक वीडियो जारी किया जिसमें रूसी सेना का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ताबड़तोड़ रॉकेट दागता दिखा। इस हमले से पहले रूसी सेना के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना का एक जवान हेलीकॉप्टर में मिसाइल और रॉकेट फिट करता नजर आया। हथियारों से लैस होने के बाद वो हेलीकॉप्टर कुछ ही पलों में आसमान में पहुंच गया। इसके बाद जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए गए। अपने काम को अंजाम देने के बाद रूसी सेना का वो हेलीकॉप्टर बेस पर सुरक्षित लौट आया। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। इजर गाइडेड रॉकेट से लैस करेगा जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका के ये लेजर गाइडेड रॉकेट जंग के मैदान में दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का काल माने जाते हैं। और द यूरेशियन टाइम्स अखबार ने दावा किया कि अमेरिका जल्द ही इस एडवांस्ड प्रिसिजन किल वेपन सिस्टम सेकंड की खेप को यूक्रेन के लिए रवाना करेगा, जो अमेरिका में 1940 में तैयार किए गए 70mm रॉकेट का आधुनिक वर्जन है। और इन्हें लेजर गाइडेड किट का इस्तेमाल कर और भी घातक बना दिया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि ज़ेलेंस्की की सेना किस प्लेटफॉर्म की मदद से इन रॉकेट को लॉन्च करेगी, लेकिन दावा है कि यूक्रेन की सेना के पास पहले से मौजूद तुर्की के बारकताश TB2 ड्रोन की मदद से दागा जा सकता है। और यूक्रेन की सेना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम की मदद से भी इन्हें लॉन्च कर सकेगी। इसके अलावा इन्हें Mi-17 हेलीकॉप्टर पर भी लोड किया जा सकता है। अपने असम दौरे में अमित शाह कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने असम दौरे में बांग्लादेश सीमा का दौरा किया और कई दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। राजस्थान के झालावाड़ में पुरानी रंजिश में कुछ लोगों पर एक आदमी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा, जिसके बाद वहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पिछले दो दिन में करीब 60,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। युद्ध के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अचानक यूक्रेन का दौरा किया। उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी हुई, जिसके बाद उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी और आरोप लगाया कि यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए वो जिम्मेदार है। और यूक्रेन को भरोसा दिया कि कनाडा उसके साथ है। अचानक यूक्रेन पहुंचे जस्टिन ट्रूडो ने कीव में कनाडा के दूतावास में झंडा भी फहराया, जिसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि कनाडा कीव में अपना दूतावास दोबारा खोल रहा है। यही नहीं, खबर है कि वो जंग में तबाह हो चुके इरपिन भी पहुंचे, जिसके बाद ट्रूडो और ज़ेलेंस्की एक साथ मीडिया के सामने आए। इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने ज़ेलेंस्की का साथ देने का वादा तो किया ही, पुतिन को चेतावनी भी दी। यही नहीं, बाइडेन की तरह ही उन्होंने भी यूक्रेन में वॉर क्राइम की बात की और इसके लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया। It is clear that Vladimir Putin is responsible for heinous war crimes. वो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि जंग में रूस से लड़ने के लिए वो यूक्रेन को हथियारों की लंबी चौड़ी खेप देंगे। Heavy artillery. Today I'm announcing more military assistance, drone cameras, satellite imagery, small arms, ammunition and other supports including funding for demining operations. कनाडा के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से बात भी की थी। कहा जा रहा है कि इस बातचीत में बाइडेन ने कहा कि वो भी यूक्रेन का दौरा करना चाहते हैं। बाइडेन इससे पहले यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड का दौरा कर चुके हैं, लेकिन वो यूक्रेन नहीं जा पाए थे। और 9 मई को विक्ट्री डे के मौके पर रूस में जोरदार जश्न मनाया गया और इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की 77वीं सालगिरह पर रूस ने ये जश्न मनाया है। मॉस्को के आसमान में रात भर आतिशबाजी का नजारा दिखता रहा। सात देशों के समूह G7 ने रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया। हालांकि जब प्रतिबंधों की जानकारी सामने आई तो पता चला कि इनमें कुछ भी नया नहीं है। इन सातों देशों ने मिलकर रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया, लेकिन यह बैन लगाने की कोई डेडलाइन नहीं बताई। बस ये बताया कि रूस पर दबाव बनाने के लिए वो उसके तेल और गैस पर जल्द से जल्द पूरी तरह बैन लगाएंगे। G7 देशों में अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा शामिल हैं। हैरानी की बात यह कि इन सात देशों में अमेरिका समेत कुछ देश तो पहले ही इस तरह का ऐलान कर चुके हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, तो इसलिए वो भी यही बैन लगा चुके हैं।
जापान पहले ही कह चुका है कि उसके लिए रूस से इंपोर्ट बंद करना काफी मुश्किल है। यहां तक कि जापान का तो रूस में भारी भरकम निवेश भी है। जापान तो उस निवेश को भी हटाने से इनकार कर चुका है, लेकिन जापान ने भी बाकी देशों के सुर में सुर मिलाया और बैन की वकालत कर दी। हालांकि बैन कब तक लागू होगा इस पर जापान ने भी कोई डेडलाइन नहीं दी। जंग के 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक रूस के गैस और तेल पर बैन नहीं लग पाया है। कई मुल्क तो ऐसे हैं जो इसको लेकर के अभी तक टाइमलाइन भी नहीं बता पाए हैं। मतलब साफ है कि पश्चिमी देश ऐलान तो करते हैं, लेकिन जब बारी रूस के तेल और गैस की आती है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। G7 देशों की जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ उसमें 7 देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी मौजूद रहे। और झारखंड की IAS पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है और आज फिर से ED पूजा सिंघल से पूछताछ कर सकती है। झारखंड की IAS पूजा सिंघल पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा कसता जा रहा है, आज फिर से ED पूजा सिंघल से पूछताछ कर सकती है। मथुरा में शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे के लिए दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम की छवि मर्यादा पुरुषोत्तम से बदलकर फाइटर दिखाने की कोशिश हो रही है। भूपेश बघेल के बयान पर BJP ने कहा कि राम के अस्तित्व को नकारने वाले अब राम की बात कर रहे हैं। अभी कुछ वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि भगवान राम को युद्धक राम के रूप में जैसे रेम्बो बना दिया, हमेशा युद्ध की मुद्रा में हो। यूक्रेन की जंग में यूरोप के कई देशों के डबल गेम से जुड़ी जानकारी सामने आई। खबर है कि यूरोप के कई देश बरसों से गुपचुप तरीके से रूस को हथियार बेच रहे थे। ऐसे कई हथियारों का इस्तेमाल अब रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में कर रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूरोप से मिले हथियारों से यूरोप को ही निशाना बनाया जा रहा है। यूरोप के जिन देशों से हथियार रूस के पास पहुंचते रहे उनमें जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। यही वो देश हैं जो रूस के खिलाफ कड़े बयान दे रहे हैं, पुतिन और उनके साथियों पर बैन लगा रहे हैं, रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट बंद करने के दावे भी कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि यूरोप के करीब 10 मुल्क कुछ महीने पहले तक रूस को हथियार भेज रहे थे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में चल रही जंग से पहले तक हालात सामान्य थे या किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। 2014 में जब रूस ने क्राइमिया पर कब्जा किया था तभी से रूस की फौज को हथियारों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन फिर भी यूरोप के बड़े देश कारोबारी फायदे के लिए रूस को हथियार बेचते रहे। और अब वही देश जिन्हें कुछ महीने पहले तक मुनाफा प्यारा था वो रूस से यूरोप को खतरा बता रहे हैं। वर्किंग पार्टी ऑन कन्वेंशनल आर्म्स एक्सपोर्ट्स नाम की संस्था ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए। संस्था का दावा है कि यूरोप के देश खुद उसे हथियारों के सौदों से जुड़ी जानकारी देते हैं जिनके आधार पर यह रिपोर्ट बनाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अकेले फ्रांस ने 152 मिलियन यूरो मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए के हथियार 2014 से 2020 के बीच रूस को बेचे। जर्मनी भी पीछे नहीं है। जर्मनी ने 122 मिलियन यूरो मतलब करीब 1000 करोड़ रुपए के हथियार इस दौरान रूस को बेचे। इटली ने भी 22 मिलियन यूरो से ज्यादा की सेना के इस्तेमाल वाली गाड़ियां रूस को भेजी। भारतीय रुपयों में यह कीमत करीब 180 करोड़ रुपए हो। इसके अलावा ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और चेक रिपब्लिक समेत यूरोप के कुल 10 देश जिन्होंने हथियार और सेना के इस्तेमाल की चीजें रूस को एक्सपोर्ट की। और उधर राजधानी मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हजारों लोगों के साथ अमर रेजिमेंट परेड में शामिल हुए। दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों और सैनिकों को याद में हर साल विक्ट्री डे के मौके पर ये परेड निकाली जाती है, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी हिस्सा लिया। राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर से अमर रेजिमेंट परेड की जो तस्वीरें सामने आई उनमें पुतिन अपने पिता की तस्वीर के साथ चलते दिखाई दिए। उनके पिता का नाम व्लादिमीर स्पिरिदोनोविच पुतिन था जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। इस परेड में दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों के घर वाले भी शामिल हुए जो पुतिन के साथ आगे बढ़ते नजर आए। परेड में सबसे आगे कुछ लोग एक बड़ा बैनर लेकर चलते दिखे जबकि पीछे हजारों लोग रूस का झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ मौजूद लोगों ने खड़े होकर परेड को सम्मान दिया। कुछ लोग ताली बजाते दिखे तो कोई झंडा लहराता नजर आया जबकि कुछ महिलाएं वहां लाल रंग का फूल लेकर खड़ी दिखी। आसमान से ली गई एक तस्वीर में पूरी सड़क लोगों से खचाखच भरी दिखाई दी। भीड़ की वजह से सड़क पर पैर तक रखने की जगह नहीं दिखी। 2 महीने से लंबे वक्त से जंग के मोर्चे पर डटे यूक्रेन में तेल की किल्लत बढ़ गई। हालात ऐसे हो गए कि वहां पेट्रोल खरीदने की एक सीमा तय करनी पड़ गई। और ये खबर सुनते ही राजधानी कीव के पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गई। देश में मौजूद पेट्रोल की कमी की वजह से सरकार ने किसी भी शख्स को 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल देने से साफ इनकार कर दिया।
पेट्रोल के लिए इनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और एक कैपिंग कर दी गई है कि आप 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं भरवा सकते हैं। लाइन में लगे लोगों का इंतजार कई घंटों लंबा हो गया। उनमें कुछ तो पेट्रोल खत्म हो जाने के डर से सुबह ही वहाँ पहुँच गए। इसके अलावा वहाँ खाने पीने के सामान और दवाओं की कमी की शिकायत भी सामने आई, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। और वहीं इरपिन के अलग अलग इलाकों से यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना की तरफ से गिराए गए रॉकेट, मिसाइलों और बमों को ढूंढकर डिफ्यूज कर दिया। इसका एक वीडियो भी शहर के मेयर की तरफ से जारी किया गया और उस वीडियो में शहर के एक इलाके में बड़ी संख्या में रॉकेट, मिसाइलों और बमों का ढेर लगा दिखाई दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि तबाही मचाने के लिए रूसी फौज ने इन घातक हथियारों की शहर पर बारिश की थी, लेकिन आसमान से गिरने के बाद भी कई रॉकेट और मिसाइल और बम फटे ही नहीं। मतलब ये कि बड़ी संख्या में बिना फटे रूसी हथियार मकानों, सड़कों, पार्कों और गलियों में पड़े थे, जिनमें कभी भी धमाका हो सकता था। उन्हीं हथियारों को यूक्रेन की सेना ने शहर के अलग अलग इलाकों में ढूंढा और फिर एक जगह जमा कर उन्हें सावधानी से नष्ट कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक साथ कई हथियार एक जगह रखे नजर आए और देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर पुतिन की फौज के गिराए गए ये हथियार फट जाते तो वहाँ कितनी तबाही मचती। पर चीन लगातार ताइवान को घेरने की तैयारी में जुटा है। खबर है कि उसने ताइवान को समंदर में चित करने के लिए चक्रव्यूह रचा है और उसका एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है। और कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के जरिए चीन ताइवान की घेरेबंदी में जुटा है। 24 फरवरी के बाद चीन ताइवान में घुसपैठ का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। समंदर में उसे घेरने के लिए रचा गया चक्रव्यूह भी शी जिनपिंग की इसी रणनीति का हिस्सा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि एक हफ्ते पहले चीन ने फिलीपींस सागर में अपना लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिया है, जो वहां लगातार अभ्यास कर रहा है। आर्टिकल में दावा किया गया कि इस युद्धपोत से लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं, इसे समंदर में चीन का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, जो केवल ताइवान के लिए नहीं बल्कि जापान और अमेरिका के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि चीन की नेवी का युद्धपोत फिलीपींस सागर में ताइवान के पूर्व और जापान के दक्षिण में घूम रहा है। फिलीपींस सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग का हिस्सा है। दावा किया गया कि समंदर के इस हिस्से में चीन का लियाओनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान की समुद्री सीमा के पास पहुंच गया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस इलाके में जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया लगातार युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, जिससे चिढ़कर चीन ने भी अपना जंगी जहाज उतार दिया, जो केवल ताइवान ही नहीं जापान की सीमा के नजदीक भी पहुंच गया था, जिसके बारे में खुद जापान ने दुनिया को बताया। वहां की सेल्फ डिफेंस